हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार, साइंस सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे थे गोले दर्पण की, जिसमें अपन ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पिछले क्लासों में देख चुके हैं, इनकी चिन्ह परिपाटी की बात कर चुके हैं। अब दोस्तों अपन देखेंगे इनसे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। तो दोस्तों अपन देखते हैं गोले दर्पण से बनने वाले। दोस्तों, गोले दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए अपने पास कुछ चीजें आवश्यक होती हैं। यदि अपने को इसकी फोकस दूरी या फोकस बिंदु और इसकी वक्रता केंद्र अपने को पता हो, तो अपन ज्यामिति की सहायता से प्रतिबिंब की स्थिति के अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसके लिए अपने को दो दो चीजें आवश्यकता होती है, एक तो वक्रता त्रिज्या और एक फोकस बिंदु। इसका साथ ही दोस्तों अपने को कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है, ताकि अपन प्रतिच्छेद स्थान पर अपन प्रतिबिंब का निर्माण कर सकें। तो देखो दोस्तों, जो आवश्यक चीजें हुई वो अपने पास हुई, एक तो वक्रता केंद्र और एक फोकस बिंदु। ये अपने पास आवश्यक बातें होती हैं। इसके साथ ही अपने को कम से कम दो किरण चाहिए, दो आपतित किरणों की आवश्यकता होती है, जिनके प्रतिच्छेद बिंदु पर अपन प्रतिबिंब की स्थिति अनुमान कर सकते हैं। इसके साथ ही अपन कुछ ऐसे टर्म्स की बात करते हैं जो अपने को प्रतिबिंब निर्माण में काफी सहायक होती हैं। जैसे मान लो कोई प्रकाश की किरण है, वो समांतर आपतित होती है किसी दर्पण की, जैसे मान लो अवतल दर्पण अपने पास में और उसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो वो हमेशा अपने नियम के अकॉर्डिंग ही परावर्तित होती है। तो ऐसी कुछ चीजों के बारे में अपन बात करेंगे जो हमेशा फिक्स रहती हैं, फिर उनकी सहायता से अपन प्रतिबिंबों के निर्माण सीखेंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं, इसमें कुछ किरणों की बात करते हैं। जैसे अपन सबसे पहले बात कर लें मुख्य अक्ष के समांतर किरण की, मुख्य अक्ष के समांतर किरण। दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो चाहे से अवतल दर्पण हो और चाहे से उत्तल दर्पण हो, ये अपन ने दर्पण पहले पढ़ रखे हैं, ये अपने पास में अवतल है और ये उत्तल है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, और अवतल दर्पण में लगभग वास्तविक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और दर्पण से सामने की तरफ बनता है। तो देखो दोस्तों, अपन देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आए, तो ये इसका मुख्य अक्ष अपने पिछले क्लास में बात की, और इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है। तो ये हमेशा देखो दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए, कौन कौन सी, एक तो वक्रता केंद्र और एक फोकस बिंदु। तो ये अपना फोकस बिंदु है F, और ये वक्रता केंद्र C है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है, वो हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है। चाहे से अपन इसमें भी देखें, तो जो ये समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है, ये आपतित किरण हो गई, ये इसका मुख्य फोकस है, फोकस बिंदु है। तो ये परावर्तन के पश्चात, देखो अपन ने पिछली क्लास में ये देखा था कि जो उत्तल दर्पण पे प्रकाश की किरण है वो अपसारित होती है, यानी कि फैल जाती है, और इसमें अभिसारित होती है। तो इसमें अपसारित होने का मतलब है ये दूर फैल जाएगी इस किरण से, और ये हमेशा दर्पण के सामने की तरफ ही रहेगी, या फिर कह सकते हैं इसके बाहर की तरफ रहेगी। जो गोला अपना बनता है, इसके बाहर की तरफ ही रहेगी, इसमें अंदर की तरफ बनती है। तो जो ये परावर्तित किरण हुई, ये परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर ये अपने को फोकस बिंदु से आती हुई दिखाई देगी। तो अपने को एक बात याद रखनी है, ये कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां चली जाएगी, फोकस बिंदु से। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप ध्यान रखो, एक पॉइंट कि मुख्य अक्ष से समांतर आई तो वो हमेशा फोकस बिंदु से जाएगी, इसी को यूज करते हुए प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। दूसरा देखो, समांतर किरण हो गई, अब अपन देख लेते हैं फोकस वाली की, कि कोई प्रकाश किरण फोकस से जाए, उसको अपन कहते हैं फोकसीय किरण। देखो ये वाली किरण क्या होती है,
ये अवतल दर्पण, ये इसका फोकस और ये इसका केंद्र। जो फोकस से जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उत्तल में देख लो, ये इसका सी, ये इसका एफ। अपन क्या कर रहे हैं, फोकस से भेज रहे हैं, तो फोकस की तरफ भेज दो इसको। ऐसा मान के चलो ये फोकस पे जाकर गिरेगी, लेकिन यहां से परावर्तक से सतह होने के कारण ये मुड़ जाएगी, और मुड़ने पर क्या प्रॉपर्टी होगी इसकी कि ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, और ये जाने वाली कहां पे थी, फोकस बिंदु पर। तो ऐसी किरणों को अपन फोकसीय किरण कहते हैं, और इनकी विशेषता ये होती है कि ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये ध्यान में रखना। तो दो बातें अपने पास में हो गई, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर वाली और ये फोकसीय किरण की। देखो ये दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं, देखो ये तो समांतर थी तो फोकस से गई, इसका उल्टा कर दो फोकस से जाने वाली समांतर हो जाती है। बस ये दोनों ही एक ही बातें हैं, एक भी याद हो गई तो दोनों ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे, उल्टा कर देना इसका। तो ये दो बातें हो गई, और दो बातें अपन और देखेंगे इसमें। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको देख लो, दोस्तों अगली अपने पास में है अभिलंब किरण। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो किरण जो दर्पण पे अभिलंबवत आपतित हो, यानी ये अपने पास में अवतल दर्पण हो और ये इसका सेंटर और ये इसकी फोकस बिंदु हो। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, जो भी सेंटर से प्रकाश आपतित होगा वो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये 90 डिग्री पे आपतित होगा, 90 डिग्री पे ये कोण बनाएगा। तो देखो दोस्तों जो जाने वाली किरण है यदि वो 90 डिग्री के एंगल से वापस आ जाए, यानी फिर अपन कह सकते हैं कि उसी पथ पर वापस आ जाए, तो ये कौन सी किरण होती है, अभिलंब। और ये ध्यान रखना कि जो भी किरण सेंटर से जाएगी वो हमेशा हमेशा अभिलंब होती वापस आएगी। आपने वर्त की प्रॉपर्टी भी पढ़ रखी होगी कि जो केंद्र से त्रिज्या डालते हैं अपन उसके सर्किल के जो परिधि होती है उस पे, वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो वही बात है, क्योंकि ये भी तो एक गोला ही है, और गोले की ही एक त्रिज्या हो गई जिसको अपन वक्रता त्रिज्या तो इसको कहते हैं, और ये भी वक्रता त्रिज्या ही होगी, त्रिज्या के बराबर ही होगी ये भी। तो देखो ये भी 90 डिग्री कोण बनाएगी, इसको अपन अभिलंबवत किरण कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, इसकी प्रॉपर्टी हुई पथ का अनुसरण, ठीक है, ये पथ का अनुसरण करेगी। आप कहोगे कि सर उत्तल दर्पण हो तब भी बात यही रहेगी, जो सेंटर की तरफ, इसमें तो देखो सेंटर से जा रही है, इसमें देखो जो किरण सेंटर की तरफ जाएगी, ऐसे मान के चलो ये जा रही है सेंटर की तरफ, लेकिन अंदर जा नहीं सकती, तो ये क्या करेगी, यहां से 90 डिग्री पे आई तो इसी पथ का अनुसरण करते हुए वापस आ जाएगी, यानी ये भी क्या करेगी, पथ का अनुसरण तो करेगी। तो जो अभिलंबवत किरण होती है, यानी जो सेंटर पे जा रही होती है या जाने वाली होती है, या तो सेंटर से जाती है या फिर सेंटर की तरफ जा रही होती है, दोनों दर्पण की एक साथ बात करें तो वो क्या होती है, हमेशा अपने पथ का अनुसरण करती है। तो ये बात हुई अभिलंब किरण की। लास्ट बात करते हैं तिर्यक किरण की। अच्छा दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान में रखो, इसमें देखो कोण आई का मान और कोण आर का मान तो हमेशा बराबर होती है, इन दोनों का मान ही इसमें कितना होगा, जीरो। समझो कैसे, ये भी लंब है कोई और ये कोई समतल दर्पण है। देखो अपन अभिलंब से क्या मान मापते हैं, किरण माप उसका कोण मापते हैं, तो अभिलंब से यानी ये हुआ 30 डिग्री पे, लेकिन यदि कोई अभिलंब पर ही आ जाए तो कोण अभिलंब से मापेंगे तो कुछ कोण है ही नहीं, अभिलंब पर ही आ रही तो कोण का मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये बात आप ध्यान रखना, अभिलंब किरण में आई और आर का मान कितना होता है, जीरो। अब देखो ये तिर्यक किरण का, तिर्यक किरण
ये दोस्तों देखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, सी और एफ, एफ और सी। अब देखो तिर्यक किरण का मतलब होता है ऐसा, ठीक है, जो दिखने में किरण ऐसी हो ये तिर्यक किरण कहलाती है। इसकी प्रॉपर्टी सुन लो, इसकी बात सुन लो। ये ऐसा होता है जो किरण होती है ये जिस बिंदु पर काट रही है, यानी जिस बिंदु पर दर्पण को स्पर्श कर रही है, उस दर्पण से यदि सेंटर की तरफ कोई रेखा खींची जाए या फिर मुख्य अक्ष बनाया जाए, तो वहां से ये जितना आपतित कोण है उतना ही परावर्तित कोण होगा। यानी देखो ये यहां पर आपतित हुई, ये इसका बिंदु आपतन बिंदु, इस बिंदु से सेंटर को अपने को मिलाना है, ठीक है। तो ये सेंटर है, तो जो ये वाली रेखा होगी जो अपन ने सेंटर को और इसको मिलाया, तो ये रेखा इन दोनों को ही समान भागों में डिवाइड करती है। इसमें भी देखो ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण है, इस बिंदु पर मिली, इसको सेंटर से मिलाया तो अपने को ये रेखा प्राप्त हुई। तो जो ये रेखा है ये इसको और इसको समान भागों में बराबर बराबर डिवाइड कर देगी, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास चार टर्म हो गई, ये अपने को प्रतिबिंब निर्माण के काम में आएंगे। तो देखो किस प्रकार के काम में आएंगे, रब करता हूं इसे। दोस्तों अपने पास में दो प्रकार के दर्पण हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अपन पहले बात कर लेते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, इसमें अपने को कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे अपने को पहली बात तो ये कि अपने को दो चीजें तो पता होनी चाहिए, एक तो इसका सेंटर और एक फोकस बिंदु। फिर अपन क्या करेंगे, इसकी अलग अलग स्थितियां लेंगे। जैसे मान लो मैं आपको बता दूं, ये अपने पास में अवतल दर्पण है, पहली कंडीशन की बात करेंगे अपन, ये इसका फोकस बिंदु और ये सी। पहली कंडीशन की बात करेंगे तो प्रतिबिंब होएगा वो अपने को अनंत पर प्राप्त होगा, यानी प्रतिबिंब वो कहां पर है, अनंत पर। तो देखो मैं आपको डायग्राम समझाता भी जाता हूं और एक टेबल आपके लिए बना देता हूं। तो देखो सबसे पहले तो देखो अपने को प्रतिबिंब पता होना चाहिए, प्रतिबिंब कहां पर है, नहीं बिंब कहां पर है, देखो सॉरी जो वस्तु है वो कहां पर है, वस्तु को अपन बिंब बोलते हैं। तो बिंब की स्थिति या फिर वस्तु की स्थिति, ठीक है, वस्तु की स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो अपन कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति समझते जाना और इसको आप नोट करना चाहो तो नोट भी करते जाना। देखो यदि वस्तु अनंत पर हो, पहली कंडीशन मैं ले रहा हूं इसमें, जो वस्तु है वो अनंत पर होनी चाहिए। यदि ये अनंत पर होगी तो देखो जो प्रकाश की किरणें हैं वो इसके समांतर आएंगी। जो वस्तु है वो अनंत पर होने पर जो प्रकाश की किरणें वो समांतर आती हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने से इतनी दूर हो जाती है वस्तु कि प्रकाश का जो एंगल होता है वो नगण्य के बराबर होता है। जैसे समझो ये अपने पास में कोई वस्तु है बहुत दूर रखी हुई है और यहाँ पर टारगेट है या फिर दर्पण है, यहां से जाएगी दो प्रकाश किरण निकली, एक ये और एक कुछ एंगल पे निकली, तो ये थोड़े से एंगल पे निकली तो इसमें आगे जाते जाते इतना फर्क हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 0.00 एंगल होने पर भी इतना फर्क आ जाता आगे। तो यानी कि जो यदि जो ऐसे किरण जो अपने को मिल रही है वो लगभग क्या होती है, समान ही होती है। तो जितनी ज्यादा दूर अपने पास वस्तु होती है उससे समांतर किरणें ही अपने को प्राप्त होती हैं दूरी होने के कारण। तो आप सिर्फ ये बात ध्यान में रखो कि अनंत पर यदि वस्तु हो तो प्राप्त होने वाली किरणें अपने को समांतर प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर पहली स्थिति में अनंत पर हो गई वस्तु, तो यहाँ पर समांतर किरणें अपने को प्राप्त हुई। अब देखो जो पहले वाले टर्म अपने पढ़े थे, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो
जो किरणें हैं वो फोकस बिंदु से गुजरती हैं, ये वाले, और जहां पर ये क्रॉस कर रही हैं किरणें, वहां पर अपना क्या मिलेगा अपने को? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहां पर मिला? फोकस पर। ठीक है, इससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान में रखना कि प्रतिबिंब वास्तविक तो कौन होता है? पहले भी मैंने बता दिया आपको कि वास्तविक और आभासी कैसे होते हैं। वास्तविक वाला प्रतिबिंब वो होता है जिसमें प्रकाश की किरणें क्रॉस करती हैं, या फिर कटान, आपस में कटान बिंदु अपने को प्राप्त होता है, क्रॉस पॉइंट अपने को प्राप्त होता है। जैसे यहां पर अपने को इन दोनों का क्रॉस पॉइंट प्राप्त हुआ, तो अपने को जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो वास्तविक प्राप्त होता है। यदि अपने को कटान बिंदु प्राप्त नहीं हुए, जैसे उत्तल दर्पण जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, इसमें ऐसे होता है जो कटान बिंदु होता है वो अपने को प्राप्त नहीं होता, एक ऐसे चली जाती है और एक किरण अपने को इसको पीछे बढ़ाया, ये फोकस पे गई, और जो दूसरे वाली किरण है वो अपन फोकस पर भेजते हैं और वो कहां पर चली जाती है? ये वस्तु है, यहां पर एक इसके समांतर भेज दिया तो ये ऐसे चले गई, और समांतर जाने वाली फोकस से होकर गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो एक बिंदु तो एक ये हो गया, और दूसरी किरण हमेशा अपन दो किरण चलाएंगे, ये पॉइंट ध्यान में रखना। दो किरण, एक तो कौन सी? समांतर। एक तो कौन सी? समांतर। प्रतिबिंब निर्माण के लिए दो किरणें चलाएंगे हमेशा, एक तो समांतर, मुख्य अक्ष से समांतर चला दी। मुख्य अक्ष से समांतर वाली क्या प्रॉपर्टी? कि वो फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, एक बात हुई है। दूसरी अपन चलाते हैं मुख्य फोकस पर या फिर फोकस पर। जब इसको अपन फोकस से मिलाएंगे टारगेट, ये वाला, ठीक, तो ऐसा यानी कि ये फोकस पर जाती है, लेकिन ये क्या हुआ? परावर्तक सतह मिल गई, तो ये जाएगी नहीं। और ये दूसरे नंबर वाला पॉइंट ध्यान में लाओ, जो फोकस की तरफ जाती हैं या फिर फोकस से जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। तो ये समांतर हो गई ऐसे, ठीक है। इसको पीछे चलाओ तब जाके अपने को ये बिंदु मिलेगा, जबकि यहां पे आगे चलाओगे तो देखो ये तो इधर चली गई और ये इधर। क्या कभी अपने को कटान बिंदु प्राप्त होगा क्या? नहीं, यानी प्रतिबिंब वास्तविक तो प्राप्त होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आभास होगा, पीछे की तरफ अपने को प्रतिबिंब का आभास होगा। तो ये वाला अपने पास आभासी प्रतिबिंब होता है। दो बातें ध्यान में, यदि प्रतिबिंब निर्माण करना है तो अपने को एक तो फोकस बिंदु चाहिए और एक वक्रता केंद्र चाहिए। दूसरी चीज, अपने को दो किरणों की कम से कम आवश्यकता होती है। वो दो किरणें अपन कैसे कैसे चलाएंगे? एक तो मुख्य अक्ष के समांतर चलाएंगे और एक फोकस पर चलाएंगे, ठीक है। जितने भी डायग्राम बनाऊंगा सब में देखना ध्यान से, ये वाला चीज स्टेप फॉलो करेंगे अपन। तो जब अनंत से आई तब ये कहां पर आई? फोकस पर। तो पहले वाली कंडीशन ये हो गई, जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब की प्रकृति, और एक पॉइंट की अपन बात करेंगे कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। ये तो अब बस समझाने की बात थी कि वास्तविक बनेगा आभासी बनेगा, तो इसमें कैसा बनाएगा अपने पास प्रतिबिंब कैसा बना? क्या रियल में ये कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है? तो प्रतिबिंब की प्रकृति अपने को कैसे प्राप्त होगी? वास्तविक। यदि इसी वाली कंडीशन में अपने पास में मुख्य अक्ष के समांतर न हो, यानी दर्पण थोड़ा गुम हुआ हो, तो देखो प्रकाश की किरणें आएंगी तो समांतर ही, क्योंकि वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। ये अपने पास में फोकस और ये सी, तो जो प्रकाश की किरणें हैं ये इस प्रकार गुजरेंगी, ठीक है, और जो अपने को प्रतिबिंब मिलेगा वो मिलेगा तो कहां पर है? फोकस पर ही, लेकिन कुछ अपने को ये नीचे की तरफ मिल जाएगा जब इस प्रकार कंडीशन हो। जब ये वाली कंडीशन अपने को प्राप्त हुई तो भी प्रतिबिंब तो अपने को क्या वास्तविक ही प्राप्त हुआ, लेकिन जो इसका आकार था वो कैसे प्राप्त हुआ? छोटा या फिर बहुत छोटा कह सकते हैं। वास्तविक और प्रतिबिंब
उल्टा। जब भी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो एक कंडीशन को छोड़कर हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, ध्यान में रखना। दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन समझ में आ गई, जब समांतर आए तो फोकस बिंदु से गुजरेंगे या फिर फोकस बिंदु के नीचे प्रतिबिंब बनेगा और ये इसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब अपने को मिलेगा। इस ऊपर वाले को मैं रफ करूंगा और नीचे वाले टेबल ऐसे रखूंगा। दूसरी कंडीशन में अब देखो, दो तीन कंडीशन एक साथ ही देख लेते हैं। ये अपने पास में मुख्य फोकस, ठीक है, जो दूसरी वाली स्थिति देखेंगे, ये एफ और ये सी, एफ और सी, एफ और सी, एफ और सी, पहली कंडीशन अनंत पर देख ली। अब देखो अनंत कहां पर होता है, जो सी है इस सी से बहुत दूर। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे सी और अनंत के बीच में, सी से क्या मतलब है, वक्रता केंद्र अनंत व सी के मध्य। इस वाली कंडीशन में देख रहा हूं मैं प्रतिबिंब मान लिया यहां पे। अब प्रतिबिंब निर्माण करना है, देखो अब समझ में आएगा आपके, एक दो ये अभ्यास हो जाएंगे ना, बाद में आप खुद बना लोगे सारे के सारे। यदि यहां पर वस्तु रखी हुई है, इसे अपने को दो किरणें चलानी है, कौन कौन सी, एक तो समांतर, चलो समांतर इस प्रकार आई, ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलते हैं ये परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाएगी, ठीक है। दूसरी अपन लेंगे फोकस से, फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, ये प्रॉपर्टी अपने पढ़ ली, दो प्रॉपर्टी थी वो दोनों अपने काम में ले ली, पहले और दूसरे वाली। तो देखो जो प्रतिबिंब बना हुआ इनके कटान बिंदु पर अपने को प्राप्त हुआ, वो अपने को ऐसा प्राप्त हुआ वास्तविक उल्टा, और उसकी स्थिति देखो, ये अपने पास में F है और ये C है, तो C और F के मध्य, जरूरी नहीं है एकदम मध्य में मिले, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं भी अपने को मिल सकता है। तो अपन कहेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी अपने पास में, जो प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी वो रहेगी C व F के मध्य, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा, और प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा, छोटा ही प्राप्त होगा। इस वाले को आप बहुत छोटा कह देना, बहुत छोटा, ठीक है। तीसरे वाली कंडीशन अपन लेंगे, तीसरे वाले कौन से लेंगे आप खुद बताओ। देखो पहले अनंत पर ले ली, अब सी और अनंत के मध्य ले ली, अब किस पर लेंगे, सी पर लेंगे, प्रतिबिंब ले लिया। अब इसे दो किरणें चलवानी है अपने को, कौन कौन सी, एक तो इसके समांतर और एक फोकस बिंदु से। पहले समांतर चलाओ, ये समांतर, समांतर कहां से जाएगी, फोकस से। पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी याद कर लेना कि जो मुख्य अक्ष से समांतर होती है वो कहां से, मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी प्रॉपर्टी और दूसरी बात अपने को जो ध्यान में रखने वाली, फोकस बिंदु से चलाएंगे और फोकस बिंदु से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात देखो ये मुख्य फोकस से गुजरेगी जो समांतर आई वो, तो और जो फोकस से जाएगी वो इस प्रकार अपनी गति करेगी। अरे फिर भी ये सही नहीं आ रहा, इसको सही ही लाना है अपने को ये ऐसे, क्योंकि ये क्या अपने ऑटोमेटिक अपने हिसाब से मान रखा है, जबकि ये अगर ओरिजिनल हो ना तो अपने को यहीं पर प्राप्त होती है। तो अपन ने अपने हिसाब से सिर्फ समझने के लिए बनाया इसको, तो अपने को कहां पर लेना है, ये तो सी ले लिया अपने, ये एफ ले लिया, तो ये जाने वाली तो फोकस से गुजार दी अपने, और जो फोकस से लेकर गए थे अपन उसको समांतर कर दिया,
तो अपने को जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कहां पर प्राप्त होता है? सी पर प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति सी पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और इसके बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। तो अपन कह सकते हैं वास्तविक उल्टा और बराबर। इस वाली कंडीशन की बात करें तो अपन ने देखो सी पर ले लिया, अब सी और एफ के मध्य लेंगे अपन। ये अपन ऐसे ले लिया, दो की इन्हें चलानी है, एक तो समांतर, समांतर चलाएंगे तो फोकस ही जाएगी, और एक चलानी है अपने को फोकस से चलाएंगे तो वो ऐसे जाएगी। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब निर्माण होगा वो अपने को मिलेगा, तो ये सी रह गया। इसके बाद ये सी और एफ के मध्य अपना ये वस्तु रेखी हुई है, तो जो अपने को प्रतिबिंब मिलता है ये अपने को मिलता है यहां पर। इसी स्थिति को अपन क्या कहेंगे, जो सी के बाद में, यानी अपन कह सकते हैं सी और अनंत के मध्य जिस प्रकार वस्तु को डिफाइन किया था अपने इस कंडीशन में, अनंत और सी के मध्य, इसको कहेंगे सी और अनंत के मध्य। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हुई, वास्तविक होगा उल्टा होगा, और जो वस्तु है देखो इतनी थी और प्रतिबिंब इतना यानी बड़ा। ठीक है, ये बात हुई अपने पास में। अगले वाली कंडीशन आप खुद ले सकते हो, कहां पर लेंगे अपन, सी और एफ के मध्य आ गया, अब कहां पर ले लेंगे, एफ पर। और एफ पर लेते हैं अपने को दो बातें ध्यान में, एक कौन दो किरण चलानी अपने को, एक तो कहां से समांतर, और समांतर की फोकस जाएंगी। ठीक है, एक अपने को चलानी है, देखो अब की बार अपन फोकस से इसमें चला ही नहीं सकते, फोकस से नहीं चला सकते ना, तो अब दूसरा इसका अल्टरनेट देंगे कि अब क्या करें। अब इसका करेंगे जो अपन ने चौथी बात पढ़ी थी तिर्यक रेखा वाली, इस प्रकार, यानी कि अपने को ये दो किरणें हुई और दो किरणों से अपने को इनका प्रतिच्छेद प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि इनको बढ़ाते रहोगे ऐसे ही प्राप्त रहेंगी, यानी कि अपने को कैसी किरणें प्राप्त हुई, समांतर। तो समांतर जब प्राप्त होगी तो जब बिंब की स्थिति के लिए अपने कहा था कि यदि अनंत पर हो तो समांतर किरणें प्राप्त होती हैं, अब अपने पास समांतर है तो अपन क्या कह देंगे कि अनंत पर अपना प्रतिबिंब बनेगा। तो कंडीशन तो लो, पहले वाली कंडीशन नहीं लिखेगा, अनंत और सी के मध्य सी पर एक दो तीन चार चौथी बार थी सी व एफ के मध्य। ठीक है, और ये वाली कंडीशन में अपन लेंगे, यहां पर लिख देता हूं एफ पर, पांचवा पॉइंट एफ पर, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कैसी होगी भाई, अनंत पर, क्योंकि जो किरणें प्राप्त हुई वो कैसी, समांतर प्राप्त हुई, और समांतर किरणों को अपन कहां पर मानेंगे कि भाई अनंत पर अपने पास प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, तो अनंत पर। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पर मिलेगा और अनंत पर तो बहुत बड़े मान का अपने को प्राप्त होगा। अब इससे अगले वाली कंडीशन, ये चीजें समझ में आई, देखो इसको दोबारा से देखो एक बार, इसमें अपने को स्थितियां लेनी है, पहले अनंत पर, फिर अनंत और सी के मध्य, फिर सी पर, सी और एफ के मध्य, एफ पर और एफ से भी आगे, एफ से आगे वाली ये कंडीशन बच गई। अनंत पर से अपने को दो किरणें चलानी है, यानी जब तक अपन इस कंडीशन तक आएंगे तब तक अपने को यहां तक दो किरणें चलानी है, एक तो समांतर और एक फोकस से। जब इस पर आ जाएंगे तो अपन फोकस से चला ही नहीं सकते। ठीक है, तो अपन ये तिरेक वाली कंडीशन लगाएंगे। जब अपन इनके डायग्राम देखें तो अपने को इनकी स्थितियां, प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति अपने को ऐसे ऐसे प्राप्त होती है। जब समांतर होती है यानी सी और अनंत के मध्य हुए, तो ये समांतर और जो ये फोकस से जाने वाली है ये अपने को सी और एफ के मध्य प्राप्त होती है।
इसमें कहां पर, जब सी पर हो तो ध्यान रखो ना स्टैंडर्ड है, सी पर हो तो उल्टा बराबर और वास्तविक, ठीक। तो आप ध्यान मेरे को, एक तो सी से पहले वाली कंडीशन, सी पर तो बराबर, सी के पहले अनंत की ओर तो कैसा होगा छोटा, और सी की तरफ या एफ की तरफ आ जाए तो अपने को बड़ा प्राप्त होने लग जाएगा। यानी आप ध्यान से देखो इन सब में, तो पहले जब वस्तु अनंत पर थी तब अपने को जो प्रतिबिंब था वो छोटा प्राप्त हो रहा था, जैसे जैसे वस्तु आगे की तरफ बढ़ती गई प्रतिबिंब का आकार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा बराबर, वो कंडीशन कौन सी है, सी पर, और सी के बाद चलने पर प्रतिबिंब का आकार तो ज्यादा हो जाएगा, वस्तु का आकार प्रतिबिंब की तुलना में छोटा हो जाएगा, ये कंडीशन है। एक कंडीशन और रह गई तो मैं वो और बता देता हूं, देखो यदि ये अपने पास सी ये एफ, यदि सी और ध्रुव के मध्य अपने पास में वस्तु हो, सी और ध्रुव है, ध्रुव को अपन पी से डिनोट करते हैं, एक किरण तो समांतर चलाओ, जो समांतर किरण होगी वो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, एफ से, ये एफ है भाई, ठीक है, तो ये एफ से गुजरेगी, तो एफ से इसको जाना पड़ेगा, ये आ गई ऐसे। जो दूसरी किरण है वो कहां से, तिर्यक, जितने कोण से है उतने से ये चली जाएगी, तो अपने को इस प्रकार की कंडीशन प्राप्त होगी। इस प्रकार की कंडीशन में अपन क्या करेंगे, देखो इनको आगे बढ़ाओ ये कभी नहीं मिलेगी अपने अपने को, ये मतलब वास्तविकता में ये कभी नहीं मिलेगी, तो अपन क्या करते हैं देखते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये एक बिंदु पर अपने को मिलती हुई प्रतीत होती है, और इस वाली कंडीशन में अपने को जो प्रतिबिंब मिलता है वो आभासी प्रकार का मिलता है, क्योंकि वास्तविकता में किरणें मिल ही नहीं रही, सिर्फ आभासी प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और आभासी आते ही अपने को सीधा भी प्राप्त हुआ, जब भी वास्तविक प्राप्त होगा तो उल्टा प्राप्त होगा, जब भी आभासी प्राप्त होगा तो अपने को कैसा प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा, ठीक है। तो ध्यान मेरे को ये वाली कंडीशन, ये लास्ट कंडीशन हो गई, इसको आप खुद लिखना कि वस्तु की स्थिति तो कहां पर है, सी, और वस्तु की स्थिति है एफ और ध्रुव के मध्य, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण से पीछे, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी सीधा, और प्रतिबिंब का आकार बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज्यादा होगा, लेकिन बड़ा होगा वस्तु से, तो बड़ा होगा, ठीक है, देखो अपने को दिख भी रहा है ये इतना सतार ये इतना है। तो दोस्तों ये बात हुई अपने पास में अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण की, अब अपन उत्तल दर्पण के भी देखते हैं, फिर बाद में अपने पास ये प्रतिबिंब वाला जो मतलब जो उत्तल दर्पण और प्रतिबिंब अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है वो टॉपिक अपने पास कंप्लीट हो जाएगा। समतल दर्पण के अपन ने जब समतल दर्पण पढ़ा था तभी प्रतिबिंब देख लिया था, अब अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इसको रब करता हूं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, देखो जो उत्तल दर्पण होता है वो अपने पास में इस प्रकार का प्राप्त होता है जिसमें फोकस, ये ऐसे इसकी मुख्य अक्ष हुआ, ये इसका फोकस बिंदु और इसका वक्रता केंद्र, देखो जो ये गोला है वो ऐसे इस प्रकार, ठीक है, तो जो भी फोकस बिंदु और वक्र का त्रिज्या वो इसके अंदर की तरफ है, यानी कि जो किरण वो वास्तविकता में इस गोले के अंदर तो जा ही नहीं सकती, इस दर्पण के अंदर जा ही नहीं सकती, यानी वो प्रतिबिंब बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रकार का बनेगा। पहली चीज तो ध्यान में रखने वाली है, कभी भी उत्तल दर्पण का नाम आ जाए तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा, आभासी, क्यों, क्योंकि जो ये गोला होता है इसके अंदर की तरफ प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रकार का होगा, यानी वहां पर वास्तविकता में वो कट करेगी नहीं, और बाहर की तरफ बनी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण की अपने बात देखी थी, उत्तल दर्पण हमेशा अपसारित करता है इनको, अभिसारित का मतलब तो एक दूसरे की तरफ केंद्रित करना,
और अपसारित का मतलब है फैलाना, तो ये फैलाता है किरणों को। तो इसमें देखो पहली कंडीशन, इसमें देखो कंडीशन बहुत कम बनेगी, वो क्यों? देखो अपन किरणों कहां से लाते हैं, इधर से, इधर से पहली वाली तो अपन कंडीशन लेते हैं जब अनंत पर हो, वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब जब ये अनंत पर होगी तो कैसे आएगी अपने पास, समांतर किरणें। जब समांतर किरणें आती हैं तो पहले वाली प्रॉपर्टी, जो पहले वाला पॉइंट था वो याद करो, यदि समांतर हो तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें गुजरेंगी तो नहीं, क्योंकि अंदर जा नहीं सकती, तो गुजरती हुई प्रतीत करवाएंगे, वो कैसे करवाएंगे, देखो ये परावर्तन के पश्चात इस प्रकार चली जाएंगी, ठीक है, इस प्रकार से ये चली जाएंगी, इस प्रकार से ये चली जाएंगी। अब देखो जो ये किरण है इसको देखो थोड़ा आगे और बढ़ाओ, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, यानी ये बाहर की तरफ जैसे ज्यादा दूर जाएगी फैलती जाएगी, इधर वाले भी जितनी ज्यादा आगे जाएगी वो फैलती जाएगी, मतलब बाहर तो प्रतिबिंब बनना नामुमकिन है। अब देखो फिर प्रतिबिंब कैसे बनाए, प्रतिबिंब इनको पीछे बढ़ाओ, इस प्रकार अपने को इस बिंदु पर अपने को क्या मिलता है, एक प्रतिबिंब मिलता है जो बहुत छोटा या फिर बिंदुवत जिसको कह सकते हैं। तो प्रतिबिंब कहां पर मिला, एफ पर। उसकी प्रकृति, प्रकृति अपन कहेंगे आभासी, आभासी सीधा। आकार की बात करें तो अपन आकार कह देंगे बहुत छोटा या फिर बिंदुवत, बिंदुवत मतलब एक पॉइंट के रूप में ही अपने को मिलेगा। देखो दूसरी वाली कंडीशन, दूसरी वाली कंडीशन आप खुद बताओ कहां पर मानू मैं, ये तो सी रही है, आप वस्तु कहां पर मानोगे, पहले अनंत पर मान लिया, अब देखो इसमें बिंदु ही एक ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये तो छोड़ ही दो, यहां पर तो अपन वस्तु को रख नहीं सकते, ठीक है, रखेंगे तो इसके इधर बाहर की तरफ, इसमें तो एक ही है तो अनंत, ये ध्रुव है, तो अपने अनंत पर रख लिया, और अब रखेंगे ध्रुव और अनंत के मध्य, तो दूसरे वाली कंडीशन सिर्फ अपने पास दो ही कंडीशन बनेगी इसमें, ध्रुव के पास या फिर तो कह दो ध्रुव के पास या ध्रुव और अनंत के मध्य, यानी वस्तु रहेगी अपने पास में यहां पर, तो अपन कहेंगे ध्रुव अनंत के मध्य, तो प्रतिबिंब देखो दो किरण चलाओ भाई, जब समांतर चलाओगे आप, इसमें समांतर किरणें चलाओगे तो वो परावर्तन के पश्चात इस प्रकार जाएंगी, यदि इनको पीछे बढ़ाते हैं तो अपने वो कहां पर, एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। एक किरण इसे चलाओ जो एफ से गुजरे, यानी फोकस बिंदु से गुजरे, लेकिन ये यहां से टकराने के पश्चात वापस आ जाएगी, और वो कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष से समांतर हो गई। अब इसको पीछे बढ़ाओ, यानी दोनों किरणों को, ये तो परावर्तित है और ये आपतित, इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाए तो अपने को जो बिंदु प्राप्त हुआ वो अपने प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, ये कैसा प्राप्त हुआ अपने को, आभासी सीधा छोटा, और प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हुआ, ध्रुव वे एफ के मध्य। मैं इस प्रतिबिंब को थोड़ा और पास में लेके जाऊं, और पास में लेके जाऊं तो क्या होगा, ये है ये ध्रुव की तरफ आता जाएगा, पहले देखो एफ पर था जब अनंत पर वस्तु थी, तो अब ये इधर आ गया, अगले वाली कंडीशन में ये थोड़ा और इधर आ जाएगा, यानी देखो जब यहां पर हो वस्तु तो क्या होगा, ये वाली किरण तो सेम टू सेम ऐसे समांतर, जबकि यहां से फोकस पे चलाएंगे अपन, तो फोकस पे चलाएंगे तो ऐसे चलाया अपन ने, फोकस पे चलाएंगे तो भाई ये फोकस पे जाके मिल रही थी और ये इसके समांतर किरण, इसको पीछे बढ़ाए तो अपने प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हो, यहां पर, यानी कि पहले वाले की तुलना में थोड़ा सा और ध्रुव की ओर, तो अपन कह सकते हैं कि ये ध्रुव की ओर आता जाएगा प्रतिबिंब, और वस्तु को भी अपन कहां पर, ध्रुव की तरफ, तो प्रतिबिंब इस प्रकार, प्रतिबिंब और बिंब की गति इस प्रकार होगी, ठीक है। तो ये बात होगी अपने पास उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की।
इसमें ये दो ही कंडीशन अपने पास में बनती है। अब बात कर लेते हैं अपन इनके यूज की कि ये कहां पर अपने काम में आते हैं। तो देखो दोस्तों, आपने ऐसे दर्पण देखे हैं रियल लाइफ में, वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है अपने पास में साइड मिरर, जो भी अपने पास में वाहन होते हैं उनके जो साइड वाले दर्पण होते हैं, जो पीछे के वाहन देखने के काम में आते हैं वो वाले। देखो कैसे, ये तो बात करूं मैं उत्तल की, और इधर बात करूं मैं अवतल की, और अपन क्या देख रहे हैं इनके उपयोग। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया अपना, इनके उपयोग देख रहे हैं अपन। तो अवतल दर्पण तो जो वाहन है उनके साइड में लगा होता है पीछे के वाहन देखने के लिए, यानी पार्श्व दर्पण, पार्श्व दर्पण के काम में आता है ये। और ये क्या काम में आता है, पीछे के वाहन देखने के। बोला सर यहां पे अवतल क्यों नहीं लगा सकते हैं? उसका कारण सुनो, देखो जो उत्तल दर्पण होता है वो इस प्रकार की आकृति का होता है कि मतलब जिसके अंदर से तो बीच से तो उठा हुआ बाहर की तरफ और साइड से अंदर की तरफ दसा हुआ, यानी देखो इस प्रकार का दर्पण होता है, अंदर की तरफ इसमें पॉलिश होती है, इस प्रकार का दर्पण जो इसमें लगा होता है। अब देखो इस वाले कोने को इधर वाली वस्तु भी दिखेगी, इस वाले कोने को इधर वाली वस्तु भी दिखेगी, यानी ये कितना एरिया कवर कर रहा है, लंबा चौड़ा एरिया कवर कर लेगा और अपने को प्रतिबिंब दिख जाएगा, चाहे वो दिखे कैसे छोटा बहुत छोटा कैसे दिखे लेकिन दिख जाएगा वो, और इतना एरिया कवर किया। जबकि इसकी जगह अपन अवतल दर्पण काम में लेते हैं ये वाला, तो अवतल दर्पण का ये वाला कोना इसको और ये वाला कोना इसको, यानी ये जितनी दूर होगा ना वो उतना ही कम होता जाएगा, कम एरिया कवर करेगा। तो कारण मेन यही है, उत्तल दर्पण वो ज्यादा एरिया कवर करता है और अवतल दर्पण कम एरिया कवर करता है, इसलिए उत्तल दर्पण अपने को ज्यादा एरिया देखना है पीछे का साधन किधर से जा रहा है, तो उत्तल दर्पण इसमें देखो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण काम में लेते हैं वो अवतल प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि देखो जो अवतल दर्पण होता है वो थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाता है अपने को, कुछ कंडीशन ऐसी आती है जिसमें अपने प्रतिबिंब बड़ा भी दिखाई दे सकता है, जबकि उत्तल में आपने जो केस देखे उसमें हमेशा और हमेशा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा ही बनता है, जबकि अवतल दर्पण में कंडीशन दोनों होते हैं, कैसे, छोटा बराबर और बड़ा। ठीक है, तो अवतल दर्पण में अपन बड़ा करके भी देख सकते हैं। दूसरी चीज, जो अपने पास में डिश की सतरी होती है, डिश की सतरी वो भी एक अवतल दर्पण का ही क्या है, प्रकार है। जो सैटेलाइट होते हैं जो अपने से बहुत दूरी पर होते हैं उनसे जो प्रकार जो मतलब तरंगे आती हैं वो समांतर प्रकार की तरंगे आती हैं, वो समांतर प्रकार की तरंगों को जो छतरी होती है वो क्या करती है, परावर्तित करके। देखो ऐसे समझो, इस प्रकार छतरी लगी हुई है, ये इसके पास में क्या लगा हुआ, इसका कैमरा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिसीवर, यानी ग्राही ग्रहण करने वाला। जो प्रकाश की किरण है ये यहाँ पे स्टैंड से कसा हुआ है। ठीक है, प्रकाश की किरण आई ऐसे समांतर, अब प्रकाश की किरण यदि समांतर प्राप्त होती हैं तो कंडीशन वही, समांतर किरण फोकस से गुजरती हैं, तो ये किरण एक बिंदु ऐसा होगा जहां से गुजरेंगी, ऐसे मान के चलो वो बिंदु अपने पास में यहाँ पे मिला अपने को। ठीक है, तो इस कैमरे को अपन कहां पर सेट करेंगे, इस कैमरे को अपन यहाँ पर सेट कर देंगे, इस बिंदु पर सारी की सारी जो तरंगे आ रही थी वो अपने को प्राप्त हो गई, तभी आपने देखा होगा इसको एक जगह सेट करना पड़ता है, तब जाके अपने को इसका जो छाया चित्र होता है वो प्राप्त होता है, उस उपग्रह से प्राप्त संदेश अपने को प्राप्त होते हैं। तो डिश की छतरी में कौन सा अवतल प्रकार का, उत्तल की बात करें तो उत्तल एक जगह और काम में आता है, जो अपने पास एटीएम मशीनें होती हैं उसमें देखो करो, यदि आप गौर से देखोगे उनको तो अंदर से दसा हुआ यानी बीच से थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ प्राप्त होता है, और उसमें अपना प्रतिबिंब तो बहुत छोटा प्राप्त होता है लेकिन वो एरिया को ज्यादा वो कवर कर लेता है। तो एटीएम मशीन जहां पर लगी होती है
उनको भी सुरक्षा की दृष्टि से क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है उत्तल दर्पण को। और ये अपने पास में अवतल दर्पण की बात हो गई। तो दोस्तों ये बात हुई अपने उत्तल और अवतल से बनने वाले प्रतिबिंबों की और इनके होने वाले ये उपयोग की, जो कैसे कैसे ये यूज होते हैं। ये टॉपिक पूरे हो चुके हैं, अब इसके बाद अपन बात करेंगे इन जो लेंस होते हैं इनके बारे में, इन्हीं के जो अगले पार्ट हैं इनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।